A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with the chapter prepositions, and as you know that there are many prepositions as far as the English language is concerned. So in today's class we will discuss the next series of prepositions, and our keywords are behind, by, of and off. Actually there are two of, और एक में क्या होता है ओ एफ और एक में होता है ओ डबल एफ. तो देखिए यहां पे पहले हम शुरुआत करते हैं बिहाइंड से. ठीक है, तो बिहाइंड में देखिए बेसिकली क्या होता है. वैसे तो इसके यूजर बहुत ही लिमिटेड हैं, तो हमने दो ही यहाँ पे यूज आपको दिखाए हैं. तो पहला है द बॉय हिड बिहाइंड द डोर, तो इसका मतलब होता है एट द बैक. जैसे आपने सुना होगा हाइड एंड सीक का गेम होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, छिप जाते हैं कहीं दरवाजे के पल्ले के पीछे या कहीं कर्टन पर्दे के पीछे छिपते हैं. तो वहां पे इसका यूज आप कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे द बॉय हिड बिहाइंड द डोर, तो यहाँ पे ये आपका यूज हो गया बिहाइंड का. सेकेंड देखिए क्या है, द मैन लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम. तो मान लो कोई आदमी है, वो गरीब है, अमीर नहीं है, और वो अपने मरने के बाद ज्यादा कुछ छोड़ के नहीं गया है, तो कुछ भी या नहीं छोड़ के गया है, तो वहां पे इसका यूज हो जाएगा द मैन लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड यूज हो गया. तो ये तो काफी अच्छा है, बहुत लिमिटेड इसके यूजेस हैं. लेकिन सेकेंड जो आपका एग्जाम्पल है बाई, सो बाई इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड इट हैज मेनी यूजेस एंड इट कैन बी यूज. एक्चुअली आई हैव गिवन फोर एग्जाम्पल्स बट इट कैन बी यूज मोर देन फोर इन नंबर. लेकिन यहाँ पे चूंकि मेन हमें एक देखना है, क्योंकि बहुत सारा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा और चीजें भी आपको समझ में नहीं आएंगी. तो चूंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम में और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हमें दिखाना है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए इन द सेंस ऑफ बिसाइड टाइम व्हीकल ड्यूरिंग पैसिव एटसेट्रा. अब तो बहुत सारी, इसीलिए हमने एटसेट्रा का यूज यहाँ पे कर दिया है कि ऐसा आपको ना लगे कि यही यूजेस हैं. दीज आर द मेन यूजेस ऑफ बाई एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव वेरियस यूजेस ऑफ बाई. तो यहाँ पे देखते हैं द बॉय केम एंड सेट बाई हर. तो पहला देखिए बिसाइड, इन द सेंस ऑफ बिसाइड, हमने बिसाइड हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने कहा कि यू हैव टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स विच विल को रिलेट इन द अपकमिंग वीडियोज. ठीक है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी या कहीं कोरिलेट करेंगी, सहसंबंध उनका होगा, तो वो आप ध्यान दीजिएगा. द बॉय केम एंड सेट बाई हर. तो यहाँ पे जो ये बाई आया है तो ये बिसाइड के रूप में आया है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है, पास, पास में, या फिर बगल में. इसीलिए हम हिंदी में भी आपको बायलिंगुअल मेथड मैं बता रहे हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बिकॉज आवर एम इज ओनली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. यहाँ पे कोई लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, एक बैरियर के रूप में इसका नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल रीच एट स्टेशन बाई 11 AM. तो यहाँ पे बाई देखिए टाइम के रूप में आ गया, जब हमारा एक टाइम बाउंड होता है, समझ गया है, जब टाइम बाउंड होता है तो फिर इसका यूज जो है वो किस तरह का होता है, मतलब 11 बजे तक, इस अर्थ में होता है आई शैल रीच एट स्टेशन बाय 11 AM तक के रूप में इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे टाइम के रूप में आ गया. ठीक है, अगला देखिए थर्ड, दे वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन. तो व्हीकल, कोई भी व्हीकल के रूप में भी इसका यूज हम करते हैं कि जब हम किसी साधन का यूज करते हैं तो वहां पे भी इसका यूज हम करते हैं. तो दे वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गए बाई ट्रेन, किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा. नेक्स्ट देखिए, द सन शाइन्स बाई द डे ड्यूरिंग, दरमियान, यहाँ पे ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, के समय, किस टाइम. तो जो सन है वो, जो सन है वो शाइन करता है किसके, उसमें, डे यानी कि दिन के दौरान या दरमियान. तो ये आपका हो गया. अब देखिए नेक्स्ट यूज है आपका ऑफ, ओ एफ.
ऑफ का यूज भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मेन यूजेस आपको दिखाने की कोशिश की है कि कौन कौन से यूजेस हमारे यहाँ पे हैं। तो इसका देखिए पहला है कॉज। कॉज में क्या है, देखिए जो कॉज आपका यूज है, कॉज में क्या है, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, दुख के कारण वह मर गया। ठीक है, तो मर गया यानी कि कारण तो हुआ, कॉज क्या हुआ, दुख। शी हैज हर्ड ऑफ दैट इंसिडेंट, तो यहां पे देखिए ऑफ आ गया यानी कि अबाउट इंसिडेंट, घटना के बारे में, मतलब यहां पे तो दुर्घटना हुई लेकिन मेन तो घटना की बात हम करेंगे। तो ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है, ये वाला सेकंड हो गया, फर्स्ट भी हो गया सेकंड भी हो गया। फिर देखिए ओरिजिन और सोर्स, ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, तो यहां पे ओरिजिन या सोर्स में क्या हो जाएगा, ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार से आता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, माई पब्लिशर इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो यहां पे क्वालिटी, यहां पे क्या है, क्वालिटी की बात अगर हम करते हैं, मेरा जो पब्लिशर है वो सिद्धांतवादी आदमी है या सिद्धांतों वाला आदमी है, तो यहां पे ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑफ। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेसिकली जो ऑफ होता है हमारा वो क्या होता है कि ओ एफ जो है उसके तो बहुत सारे यूजेस हैं और ओ डबल एफ इसके बहुत ही लिमिटेड यूजेस हैं। जैसे देखिए सेपरेशन में होता है और दूसरा एट अ डिस्टेंस फ्रॉम। सेपरेशन में देखिए क्या होता है, ही पुट ऑफ हिज कोट, यानी कि किसी चीज को किसी चीज से अलग करना, ये सेपरेशन हो गया। दूसरा है एट अ डिस्टेंस, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, दूरी। द ओल्ड मैन फेल ऑफ लैडर, यानी कि जो बूढ़ा आदमी है वो जैसे सीढ़ियों से उतर रहा था और गिरा और सीढ़ियों से दूर जा गिरा, तो यहां पे दूरी के रूप में हो गया, यानी कि एट अ डिस्टेंस फ्रॉम। ठीक है, और तीसरा एक यूज छूट गया था वो भी आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक चीजों में होता है जैसे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द बल्ब, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में भी यहां पे हो जाएगा इसका यूज। ठीक है, टर्न ऑफ भी हो जाएगा, स्विच ऑफ भी हो जाएगा, तो ये आपका यूज हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए बिहाइंड जो है उसमें बहुत ज्यादा यूजेस नहीं है इसके, इसका मतलब होता है एट द बैक। द बॉय हिट बिहाइंड द डोर, ठीक है, लड़का दरवाजे के पीछे छिप गया। द मैन लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, ठीक है, यहां पे भी अंडरलाइन कर देते हैं, आदमी जो है उसने अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, यानी कि मरने की यहां पे बात हो रही है। बाई देखिए इन द सेंस ऑफ बिहाइंड, बिसाइड, बिसाइड का मतलब बगल में, पास में। द बॉय केम एंड सैट बिसाइड, सॉरी सैट बाई हर, यहाँ पे बिसाइड का भी यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम बाई सीख रहे हैं तो यहाँ पे इसका यूज हम कर रहे हैं। सेकंड देखिए, आई शैल रीच एट स्टेशन बाई 11 AM, टाइम के रूप में हो गया। दे वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, व्हीकल के रूप में। द सन शाइन्स बाई द डे, ये ड्यूरिंग यानी कि एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इस टाइम ही ये काम होता है। ऑफ देखिए, कॉज अबाउट इंसिडेंट ओरिजिन सोर्स क्वालिटी, तो इसमें देखिए ही डाइड ऑफ ग्रीफ, तो ये कारण हो गया, मरा किसके कारण, ग्रीफ के कारण, दुख के कारण। सेकंड देखिए, शी हैज हर्ड ऑफ दैट इन एक्सीडेंट, किसके बारे में सुना, किसी घटना के बारे में, इंसिडेंट के बारे में। ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, वो किस कहां से आता, सोर्स क्या है उसका, ओरिजिन क्या है, तो वो पुअर फैमिली से है आता है। फोर्थ वाला देखिए, माई पब्लिशर इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो पब्लिशर जो मेरा है वो कैसा है, वो सिद्धांतवादी आदमी है, तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी हमें पता चलती है। अब देखिए ऑफ में देखिए, सेपरेशन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हमने बताया, तो वो भी लिख दिया है। ही पुट ऑफ हिज कोट, यानी कि ये सेपरेशन हो गया, शरीर से जब कोट अलग हो गया तो सेपरेशन हो गया। द ओल्ड मैन फेल ऑफ लैडर, तो अगर बूढ़ा आदमी किससे गिरा, सीढ़ियों से गिरा, तो वो जब गिरेगा तो दूर ही जाके गिरेगा कि पक्का नहीं सीढ़ी पे ही गिर जाए, तो यहाँ पे डिस्टेंस के रूप में हो गया। स्विच ऑफ द बल्ब,
यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे स्विच ऑफ यानी कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपका डिटेल हो गया, आज के लिए इतना ही। आपका जो ये चैनल है इसको आप कमेंट करते रहिए इस पे और अपनी फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।